कहरानी में कामगारों को बताया सुरक्षा का महत्व। कहरानी औद्योगिक क्षेत्र स्थित गंगा फेरो लॉज में गुरुवार को कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए कामगारों के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें कामगारों को सुरक्षा संबंधी जानकारी दी गई। लेबर नेट के नॉर्थ इंडिया के ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट हेड हिमांशु सप्रा, JSW के भिवाड़ी प्लांट हेड सूर्य प्रकाश शर्मा, गंगा फेरो लॉज के वर्क्स मैनेजर धर्मेंद्र शर्मा व DD स्टील के डायरेक्टर विनोद राजपूत ने बताया कि कामगारों को ट्रेनिंग प्रोग्राम में बताया गया कि काम करते वक्त खुद को किस तरह विद्युत उपकरणों से सुरक्षित रखा जा सकता है। उन्होंने बताया कि छत पर काम करते वक्त हेलमेट, एप्रन, ग्लव्स व चश्मा पहनकर काम करने के बारे में बताया गया, जिससे कामगार खुद को सुरक्षित रह सकें। ट्रेनिंग प्रोग्राम में भिवाड़ी, खुसखेड़ा व मानेसर सहित अन्य कस्बों से आए कामगारों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया, जिन्हें ट्रेनिंग के उपरांत प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। सर, मैं DD स्टील कॉरपोरेशन भिवाड़ी की फर्म को रिप्रेजेंट करता हूँ। मैं यहाँ राजस्थान का JSW का डीलर और चैनल पार्टनर हूँ, और ये इससे मेरे से पहले कोई भी यहाँ पे चैनल पार्टनर नहीं था। तो JSW की ब्रांडिंग हमने स्टार्ट की है सर, तो वो इसलिए की है कि लोगों को JSW का कोई प्रोडक्ट नहीं मिल पाता था। अब डायरेक्ट ओरिजिनल JSW का प्रोडक्ट हम सबको सर्व कर रहे हैं और दे रहे हैं। किसी को 20 सीटें, किसी को 30 सीटें, और भी बेहतर इसको करने की कोशिश करूँगा। गंगा फेरो एलॉयज ये एक सर्विस सेंटर है, JSW ऑथोराइज। ये कोयल आने के बाद में सीट कट करके देता है, और जो माल का सेल होता है वो DD स्टील कॉरपोरेशन करता है। अभी आपके प्रोडक्ट कहाँ कहाँ जा रहे हैं यहाँ से? सर, मेरे प्रोडक्ट अभी भिवाड़ी में NCR पूरा हमने कैप्चर किया है सर। UP की बेल्ट में मैं बढ़ाना चाह रहा हूँ। UP वालों को पहले माल नहीं मिल पाता था, तो मैंने एक मेन डीलरशिप जो है कानपुर में एक स्टॉक यार्ड बनाने की मूड में हूँ, कि वहाँ पे हम ट्रकों मटेरियल वहाँ पे स्टैक कर दें, वहाँ से गोरखपुर है, बलिया है, ये ओरिजिनल माल मिले, क्योंकि बेसिकली जो मेरा बर्थ है वो UP से ही है। आज का प्रोग्राम क्या था? आज का सर प्रोग्राम ये था, इंट्रोडक्शन था कि JSW का प्रोडक्ट क्या, उसकी खासियत है। लोगों में अवेयरनेस नहीं थी कि एक बार महंगा प्रोडक्ट लगाने के बाद में कि हम लोग उसको किस तरीके से हमें रियलाइजेशन मिलता है। सस्ता प्रोडक्ट लगाने से उसका जो सर्विस टाइम है उसकी कॉस्ट ज़्यादा आती है, बट JSW प्रोडक्ट एक बार लगाने के बाद में 10 से 12 साल मिनिमम कुछ उसको देखना ही नहीं है, जीरो मेंटेनेंस है। तो एक अवेयरनेस प्रोग्राम था, फैब्रिकेटर मीट थी, जिसमें लोगों को प्रैक्टिकली हम लोगों ने दिखाया कि कलर कोटिंग कॉयल बनने के बाद में इसको फॉर्मिंग कैसे करते हैं मशीन से। तो लोगों में अवेयरनेस है, बहुत सारे लोगों ने प्लांट देखे नहीं है, वो सिर्फ स्टॉक देख के सीट ले लेते हैं, बट आज उनको दिखा दिया कि सीट की फॉर्मिंग ऐसे होके ये साइज़ में बनती है, ऐसे पैकिंग होती है।